This video is brought to you by Shaheen Group of Institutions, now in Hyderabad, HM Isaac & Sons, Builders and Developers, Firdos Caterers, and by ASK Tours and Travels. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din amma ba'd. Aaj ke jo halaat hain bahut hi sangin halaat hain. कोरोना बीमारी की वजह से सारे लोग जो है घरों में कैद हो गए हैं और अब काम करने वाले भी बेकार हो गए हैं. अब घरों में रहने के बाद क्या किया जाए एक मसला है. तो इससे पहले एक बयान मेरा शाया हुआ था एतेमाद में, उसमें मैंने जो है ये बतलाया था कि घरों में रहकर जो है एक दो पुराने पाक हिफ्ज़ करें, ख़ासतौर से अम्मा तसालून पारा जो है जिसकी सूरतें अक्सर नमाज़ों में पढ़ी जाती हैं, तो इसको अगर अच्छी तरह याद कर लें, फिर इसके मानी और तर्जुमा तफसीर वगैरह को देखें और कोई अच्छी किताब का इंतखाब करके हदीस की या किसी और फन की इस्लामी उलूम में से उसका मुताला करें, तो वक्त जो है अच्छा गुजरेगा और साथ ही साथ जो है यानी फ़ायदा भी हासिल होगा. ये मैंने कहा था और ये भी कहा था कि यानी मुहासबा नफ्स क्या करना चाहिए, यानी अपने आप का जायज़ा लेना चाहिए कि मेरे अंदर क्या क्या खताएँ हैं और क्या क्या कमज़ोरियाँ हैं और मुझसे कौन कौन से फ़रज़ छूट रहे हैं, ताकि हम अपने नफ्स का मुहासबा करें और जायज़ा लें और अपनी इस्लाह करें और ये मौका हमारे लिए इस्लाह नफ्स का मौका बन जाए. तो लफ्ज़ से ज़बान की लफ्ज़ से मुहासबा नफ्स के बजाय मुराक़बा निकल गया. तो मेरा मकसूद नहीं है, क्योंकि मैं जो है सलफ़ी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सूफ़ी नहीं हूँ. तो मुहासबा करना चाहिए, हदीस में भी है हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, तुम अपने आप का हिसाब किताब कर लो अब्ल इसकी कि तुम्हारा हिसाब किताब किया जाए. तो हर इंसान को चाहिए कि वक्तन फ़वक्तन अपने आप का जायज़ा ले कि मैं किस कदर जो है राय हक पर जमा हुआ हूँ और कौन कौन सी मुझे कोताहियाँ गलतियाँ होती रहती हैं, उसका भी जो है जायज़ा लेकर उनको अपने आप से दूर करने की कोशिश करे. तो बहरहाल ये एक मुसीबत में भी राहत है, तो एक मौका है कि हम मजबूर होकर घरों में बैठ गए हैं. तो इस सिलसिले में जो है हमको जो काम करने हैं, एक तो जो है अपने इल्म दीन में इजाफा करना है, ख़ास तौर से तफसीर में कोई अच्छी किताब लें, हदीस में लें, उसका मुताला करें और घर वालों को भी सुनाएं और इसी तरह अपने वो दोस्त अहबाब और रिश्तेदार जिनको हम ज़िंदगी की घुमा घूम में भूल गए थे उनको याद करें, उनकी खैर वाफ़ दरियाफ़्त करें और जो है कसरत से ज़िक्र अज़कार करें, कसरत से ज़िक्र अज़कार करें, ख़ास तौर से दुआ करें, क्योंकि दुआ का मौका है और दुआ जो है मुश्किल मुसीबत में अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर सुनता है. अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम उमन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु यकशिफुस सूअ, यानी कौन सी वो ज़ात है जो तुम्हारे परेशान हाली में तुम्हारी दुआओं को सुनती है और तकलीफ़ को दूर करती है. तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ही जो है मुसीबतों को दूर करता है, मुश्किलों को आसान करता है, आफतों को टालता है. आज हम जो है इंतहाई मुसीबत में मुब्तला हैं, घरों में कैद हो गए हैं, इसके बावजूद हरदम खौफ लगा रहता है कोरोना बीमारी का. तो इसका इलाज तो जो अतिबा वगैरह बतलाते हैं एहतियात करें और दवाएं भी खाएं जो हो सकती हैं मिल सकती हैं, और इसी तरह जो है जिक्र अजकार में कसरत से जो है अपना वक्त गुजारें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को याद करें, नमाज़ों की पाबंदी के साथ साथ तिलावत कुरान भी करें, इल्मे दीन भी हासिल करें और जो है ज़िक्र अज़कार की कसरत करें. ये मौका जो है ज़िक्र अज़कार का है, अल्लाह को याद करने का है, उसके सामने गिड़गिड़ाने का है. तो अपने आप को जो है यानी इसी मसरूफ़ रखें इन कामों में, तो इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ल जो है इस मुसीबत को दूर फरमाएगा, मुश्किल को आसान करेगा और राहत अता फरमाएगा. बहरहाल जो है यानी मुराक़बा नहीं बल्कि मुहासबा है, ये मुहासबा करें, अपने नफ्स का मुहासबा करें और दुआएं करें, खुद दुआ करें. आइए जो है मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ कीजिए. रब्बना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मदिन वअला आलिही वसहाबिही वअज़वाजिही वज़ुर्रियतिही अजमईन. रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार. रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الأمراض السيئة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون
وسيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سب کو معاف فرما، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تیری بندگی حق ادا نہیں کر سکتے اور نہیں کرتے ہیں. اے اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، اے اللہ تو ہماری نیکیوں میں اضافہ فرما دے، ہماری برائیوں کو دور کر دے، کمزوریوں کو معاف کر دے، رحم کرم فرما. اے اللہ، اے اللہ ہم سب پہ رحم کرم فرما، ہم کو ہر مصیبت سے بچا. اے اللہ اس بیماری کی مصیبت سے بچا، اس بیماری کی مصیبت کو ٹال دے. اے اللہ مشکل کو آسان کر دے. اے اللہ ہم سب بندوں پہ رحم فرما، ہم بندے ہیں، کمزور ہیں. اے اللہ ہم مغلوب مغلوب الحال ہیں. اے اللہ تو ہی جو ہے غالب ہے، تو ہی قادر ہے، تو ہی مولا ہے، تو ہی آقا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہر چیز ہر اختیار تیرے ہی ہاتھ میں ہے. اے اللہ ہماری مصیبت کو دور کر دے، آفت کو راحت سے بدل دے. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، بیماری سے نجات دے دے، سارے لوگوں کو امن و اطمینان عطا فرما. تیرے بندوں پہ رحم کرم فرما، تیرے بندوں پہ رحم کرم فرما. اے اللہ تیرے بندوں پہ رحم کرم فرما، ہماری روزی میں کشادگی عطا فرما، صحت عطا فرما، بیماری سے بچا، آفت سے بچا، مصیبت سے بچا، شماتت اعضاء سے بچا. اے اللہ شماتت اعضاء سے بچا، شماتت اعضاء سے بچا، ہر شر و مکروہ سے بچا. اے اللہ تیرے رحم، تیرے رحم دامن رحمت میں ہم کو لے لے. اے اللہ تیری معافی کو عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف کر دے، رحمت بخشش عطا فرما. تو بہت ہی رحم کرنے والا، بہت ہی بخشنے والا، بہت ہی عطا کرنے والا، بہت ہی عفو درگزر کرنے والا، بہت ہی مغفرت کرنے والا ہے. اللہ ہم تیری صفت عفو، صفت مغفرت کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو ہم کو معاف کر، یہ مصیبتوں پریشانیوں کو دور کر دے، چین سکون خوشی عنایت فرما، زندگی میں خیر و برکت دے. This video is brought to you by Shaikh Group of Institutions, now in Hyderabad, HMSA Concerns, Builders and Developers, Fidos Caterers, and by ASK Tours and Travels.